ओम दुर्गाय नमः। ओम कमरु कमक्षाय नमः। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थानं नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। मेरा नाम है कृपाली, मेरा नाम है कृपाली, मेरे गुरु का नाम है शिवाली। मैं बहुत दिनों से इस बियाबान जंगल में अपने गुरु शिवाली की कुटिया में गुरु कमाथु कामरू कमाथु गुदेवी के लीन पड़े हैं। हमारे गुरु शिवाली मुझसे कहा, तंत्र विद्या सिद्धि करने के लिए तुम्हें एक तेली की खोपड़ी की जरूरत। मैं ठीक अमावस्या के दिन उठाया गया था और निकल गया बुद्धू तेली के घर। उस समय बुद्धू तेली भरी नींद में सो रहा था और मैंने उठाया गया था और एक ही बार में बुद्धू तेली की खोपड़ी अलग कर दिया। जब तेली की खोपड़ी लेकर वहां कुटिया में लौटा तो मैं सिद्धि प्राप्त कर लिया और मेरे गुरु की दी हुई अमानत एक पारस मणि। मैं मेरे पास दो दानों हैं, एक प्रलयनाथ और एक कालनाथ। अब सबसे पहले मैं अपने कालनाथ को बुला रहा हूँ आपके सामने। कामरू कमच्छा देवी काली भेज दे कालनाथ को। शान कालनाथ, क्या बात है, क्यों परेशान करते हो बच्चों को? किसी बच्चे से बोलना नहीं। और तुम जाओ कुटिया पे, अरे नहीं किसी को बोलना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं तुम्हारा, तुम कुटिया क्यों नहीं जाओगे? अच्छा भूखे हो कालनाथ, जाओ कुटिया के पीछे 5 क्विंटल का भैंसा बंधा है, मिटा लो। क्यों, क्या बात? अच्छा 10 क्विंटल चाहिए, ठीक है जाओ, तुम्हारे लिए 10 क्विंटल का इंतजाम हो जाएगा। मुनिराज के शरण में सम्राट उज्जैन नरेश का प्राण संतार हो।
मुनिवर आया हूँ मैं शरण दे शक्ति शक्ति दारी में जगे कोई नजर कोई नहीं आई नजर आखेत से जाकुल यहां तक करके आया हूँ सफल जलता दीपक देख कर रिसीवर चला आया इधर मैं उज्जैन का इंद्रेश कहता हर वचन गुरर मैं शिकार खेलने आया था शिकार खेलते खेलते शाम हो गई ना ही शिकार मिला और प्यास से व्याकुल होकर आपकी कुटिया पर आया हूं गुरुदेव महाराज आप मेरी कुटिया से 2 मील दूर थे तभी मैंने अपने तंत्र विद्या से देख लिया है आप नपति इंद्रेश हैं हुआ मुझे विश्वास बेखट में नहीं मन करो निवास आपके खातिर करूं क्या फिर मन मुझे बतलाइए कुटिया में रुक जाइए जिस तौर से आराम हो आखिरता फरमाइए खबो खबर सब छोड़ कर दुनिया में गुरुदेव महाराज बस मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है बस मुझे प्यास लगी है मनवर बस मुझे पानी पिला दो ठीक है पानी भी मिल जाएगा आपको लेकिन मुनवर महाराज मैं जानना चाहते हैं हम जानना चाहते हैं कि आखिर आप कौन हैं जो इस बियाबान जंगल में रहते हैं आपका शुभ नाम क्या है मुनवर महाराज सब कुछ बतला रहा हूँ सुनिए मैं हूँ तांत्रिक कृपाली मैं हूँ तांत्रिक कृपाली मुझे महाराज हाँ मुनवर तांत्रिक कृपाली हूं मेरा नाम जान लो मेरे गुरु का नाम कृपाली है हाथ फैलाने किसी के सामने जाता नहीं महरूम होकर पास से मेरे कोई दाता नहीं काफी अरसे से रहता हूँ यह जान लो बस गुरुदेव आपने मुझे परिचय बतलाया मैं धन्य हो गया गुरुदेव बस आपके चरणों में मेरी विनती है प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है बस जल पिला दीजिए
एक है गुरु निकलने वाले हैं। महाराज ठीक है, आपके लिए पानी नहीं, मैं सूखा पानी नहीं पिलाता, मेरी कुटिया पर कोई आता है तो आप पहले नाश्ता करिए तब आप पानी पीजिए। ठीक है गुरुदेव, मंगाइए गुरुदेव। आपके लिए नाश्ता मंगा रहा हूँ, बैठिए। बहुत पहुँचे हुए बाबा, तो दुकान नहीं देखा कौन नाश्ता कराई हो बाबा। शिवाली कामरूप मच्छा वाली देवी भेजे तीन चार लोगों को नाश्ता, गुरुदेव भाई बहुत बहुत अच्छी चीज है ये, और बाबा यह नारागी माँ दिया है। अरे बाबा हमका जान पड़े गाभिने का, महाराज हम कहा एक बच्चा मिल जाते ही मरे आप पूछे बाबा, या बताओ या जौने पे बैठा है या का है? अरे ये इसका बैठका बैठका है कि बकरा वाले वाला ठिया है। अजी बात मत करिए, जाओ क्यों नहीं जाओगे? अरे वो महाराज के नौकर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जाओ तुम। भवानी सिंह देखा आपने मणि की मणि तो अद्भुत चमत्कार है महाराज, वही मणि का चमत्कार है। क्या मणि बताया है?
जो मणि बताया था ना वो गुरु की दी हुई अमानत है, सब उसी का करामात है मंत्री जी। अगर ये मणि हमारे पास हो जाए तो हम रात दिन महाराज बात करिए। देखो मैं खुद बातें करता हूँ मुनिवर। हुजूर लेके चलना। क्यों नहीं मंत्री जी। मुनिवर बोलिए महाराज। जो आपके पास ये पारस मणि है मैं अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। जब मेरे गुरु शिवाली खत्म हुए थे तभी उन्होंने ये उसके पहले पारस मणि मुझे दे दिया था। मैं उससे मन चाहे वस्त्र प्राप्त कर लेता हूँ राजन। हाँ ये बात है गुरुदेव। हाँ तो मैं अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। ठीक है देखिए। देखने का कोई पैसा तो नहीं लगता। गुरुवर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। सुनिए ये मणि आपके पास बेकार है। ये मणि आपके हमारे पास हो खैरात बत्ती रात दिन उस भोग का खास हो। करिए मणि इस दम हमारे पास हो खैरात बत्ती रात दिन उस भोग का खास हो। इसे पाले तो जीवी के तरकार है। इसे आखिर आप इस बियावान जंगल में रहते हैं, आप मुनिराज हैं, आखिर आप इसको क्या करेंगे लेकर? ये तो मेरे लायक है महाराज। लालच मत करिए ये मणि मुझे वापस कर दो, वरना अगर ये मणि कहीं तुम्हारे महल अड़ जाएगी तो तुम्हारी महारानी पल्लवी की क्या हाल होगी और तुम्हारे ये जो नौकर हैं इनकी क्या हाल होगी महाराज। सुनिए क्या कहना चाहता है। जुबान निकालना। अरे बाबा बबुल्ली भूत तेरे महल में पाप जब मराएगा रोएगा चिल्लाएगा हंसी सभी मिट जाएगा। अरे बेशर्म जानू अरे बेशर्म
तालीम सिखाने लगा। जवान संभाल के निकालना अगर आगे कुछ लब्ध कहा तो मैं इस शमशीर से और है पखंडी, मैं तेरी इस पारस मणि को लेकर जा रहा हूं और देखता हूं तू मेरा क्या करता है। ये जो धोखे से मेरी मणि ले जा रहे हो, मैंने तुमको साफ दे रहा हूं कि एक दिन पछताओगे। मैं पछताऊंगा हाँ, अगर मैं चाहूं दूसरी जगह तेरी कुटिया पर तेरी कब्रिस्तान बना सकता हूं। चरो साले ठोंगी, सारे भिखमंगा हमारे महाराज को धूर्त छलिया बताया। अगर महाराज का हुक्म हो जाता ना तो साले हम तुझे उसी जगह खत्म कर देते। साहब तुझे मालूम नहीं कौन हूं मैं? हमारा नाम भवानी सिंह है। दोबारा आऊंगा तो सारे तुम्हारी मौत बन के। भवानी सिंह चलो साले ढोंगी पापा बबुल जी तुम अब कुछ नहीं कह सकते। हमारे महाराज जी तो आज शक्ति लेके गए। सुन लियो मैं बाबा के कुटिया पूरी लूट लियो, सब जय बिछा दो, सब के मारू मारू सब ले चलो, सब ले चलो। सुनो ओए सुन भाई, तेरे महाराज हां मेरी मणि केवल ले गए हैं, लेकर गए मेरी शक्ति, मेरी तंत्र विद्या मेरे पास है। तुम कुछ ना कह सकते हो, करके दिखा दे। कुछ ना कह सकते हो बाबा बबुल्ली भोंगी साले। सुन ले जय गुरु शिवाली कामरूप मच्छा वाली देवी, एक आदमी का गायब कर दो। यार हमार पूरी दिया हलुक हलुक लाग लाग हो, पूरी दिया है हमार हलुक हो गई। यार वह है तो हमारो यार ये मड़ी में शक्ति रही लेकिन बबौनों में शक्ति। या भैया ओ या बबौना तो हमार कांटा तराजू बटखरा सब गायब कह दी। कौन हम हल्ले के घरे चली हो भैया? कांटा तराजू बटखरा तीनों गायब कह दी। अरे साले तीनों गायब हो गए तो अब तुम जौन है अब बेकार समझो। कौन मुंह मेहरारू को देखो भैया?
अब मेहरारू का मुना दिखा पाइयो ना तुम कहू का आवाज तो तुम्हारा है नहीं हमार तो नहीं गायब है हमका खाली आँखिन से नहीं देखा तुमका अंधर कह दिया भैया में बहुत शक्ति है चलो बाबा के गोड़न गिरो बाबा से बता दियो कि हम लोग आहिन नौकर जौन ज्यादा बोल गए हुए वही कल उतार दियो बाबा हमार सब अरे मार बाबा बाबा हमार गलती माफ करो बाबा हमारी होगी बहुत बोल रहे थे अभी तुम्हारा दोनों का एक एक पैर खत्म करेंगे ठीक है दोबारा गलती तो नहीं करोगे नहीं बाबा बाबा हम लोग लोध नहीं तो सारे कैसी गलती करेंगे बाबा अच्छा अच्छा बाबा हम बचे नौकर दोबारा ऐसी गलती नहीं करना नहीं बाबा हमारी नजरें खोल दियो आँखें हमें इनके आँख लौटा दियो हमारे तीनों जने महादेव को लौटा दियो जय हो आओ शिवाली जय कामरूप मच्छा वाली देवी काली इनका अंग वापस कर दे देखो कितना है देखो कितना है दुई अबे तुम्हारा आंख नहीं लगता है बाबा बाबा आँखी धीरे धीरे खोली हाँ धीरे धीरे खोलोगे तभी नजर आएगी होगी जैसे जैसे पिलावा खोला थी ना हाँ 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 उसी तरह ठीक ठीक अब बताओ पूछो एक आइए तुम्हारा आँख आइए हाँ हाँ रोशनी आ गई बाबा हम लोग चल यार एक बात है बबौना का यार अपने घर ले चले के विचार रहा अपने घर ले जाबो वह कहे बारे भैया बाबा की मड़ी से नहीं ना मतलब हाँ बाबा की मड़ी में तो सब कुछ है वह तो है ये है लेकिन बाबा के तंत्र विद्या ज्यादा बाबा के अंदर ज्यादा है बाबा का ले चलो घर आए का करियो घर ले जाए अरे घर में बड़ा काम है कौन काम है भैया अरे यार हमारी अम्मा खुदे बूढ़ी बूढ़ी है तो बाबा का ले चलब तो बाबा से मंत्र मरवा के पाई अम्मा का जवानी करब तब तो ले चलो बाबा जवान हो जाएगी अच्छा ठीक बाबा फिर आप की कुटिया में दोबारा आवे परी की आप यो में घर है नहीं चले आएंगे ठीक है बाबा हाँ। चले हैं अंतर्यामी बाबा हैं तुम्हारी अम्मा का जवान कह देंगे देखना मेरी पारस मणि की कमाल मैंने तुझे सांप दे दिया खत्म हो जाएगा तेरा सर्वनाश हो जाएगा ये बाबा तांत्रिक कृपाली की वचन है एक दिन पछताएगा फिर मेरी कुटिया में लौट कर आएगा जय गुरु शिवाली